हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी जो चैनल है, मैं यहाँ पे आज से एक बिगिनर्स फ्रेंडली एक मेकअप सीरीज मैं शुरू कर रही हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, जैसे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने स्किन के हिसाब से प्राइमर चूज कर सकते हो, फाउंडेशन चूज कर सकते हो, फाउंडेशन का जो शेड है कौन सा वाला शेड आप चूज करोगे, कैसे करोगे, और कंसीलर का भी जो शेड है वो आप कैसे चूज करोगे। तो मैं ये सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं बताऊंगी आपके फाउंडेशन आप कैसे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो और एक फ्लॉलेस बेस आप कैसे अचीव कर सकते हो। और उसके भी बाद की जो वीडियो में है उसमें मैं बताऊंगी हाइलाइटिंग, ब्रॉन्जर, कंटूरिंग इसके बारे में। फिर मैं आई शेडोज ब्लेंडिंग, आई शेडो कॉम्बिनेशन कैसे चूज कर सकते हो, मेकअप ब्रशेस कौन से आपको चाहिए इसके बारे में भी मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में आपको बताऊंगी। तो ये जो है इस सीरीज का पहला वीडियो है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। और एक बात, मेरी हिंदी इतनी भी अच्छी नहीं है क्योंकि हिंदी इज़ नॉट माई मदर टंग, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हिंदी में वीडियो बनाऊँ। मुझसे अगर कुछ भी गलती हो जाए, कुछ भी हिंदी में मुझे जो जेंडर है उसमें मुझे थोड़ी तो प्रॉब्लम है, तो मैं छोटा छोटी ये सब गलतियाँ मुझसे हो जाती है, तो प्लीज़ मुझे कोई नेगेटिव कॉमेंट नहीं चाहिए, प्लीज़ इस बात को आप समझिए। तो या चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मैं मेरी चैनल बहुत ही छोटी चैनल है, मैं दूसरे के चैनल को मैं पढ़ती हूँ कमेंट्स पे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूछते रहते हैं कि अपने फाउंडेशन शेड कैसे आप चूज कर सकें, क्योंकि पिछले बार जब मैंने इंडिया गई थी तो वहाँ पे मैंने एक हॉलीडे पे मैं गई हुई थी, तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जिसके फाउंडेशन शेड एकदम भी उनके स्किन टोन से मैच नहीं कर रहे हैं। उसके जो फेस है, उन लोगों के फेस ग्रेइश दिख रही है, व्हाइटिश दिख रही है, उनके जो बॉडी कलर है वो भी बहुत ही अजीब तरह से दिख रही है। तो मैं चाहती हूँ कि मैंने भी ये सेम गलती मैंने भी की थी जब मैं एक बिगिनर थी, तो वो सब के बारे में भी मैं आपको कुछ फनी इंसिडेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी थ्रू आउट द वीडियो, और आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि कैसे आप ये सब बेस प्रोडक्ट आप चूज कर सकते हो, क्योंकि अब अगर आप आपके बेस प्रोडक्ट सही तरीके से चूज नहीं करोगे तो आपके मेकअप कभी भी अच्छी नहीं दिखेगी। तो या तो फर्स्ट स्टेप है प्राइमर। तो प्राइमर मार्केट में बहुत सारे प्राइमर्स हैं, तो आप कौन सी प्राइमर आपके जो स्किन है उसके लिए आप प्रेफर करोगे। तो प्राइमर चूज करने से पहले आपकी जो प्रॉब्लम है वो समझना जरूरी है कि आपके प्रॉब्लम क्या है। क्या आपके बहुत सारे पोर्स हैं, आपके कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आपके टी जोन्स ऑयली हो जाती है, आपकी जो स्किन ऑयली है, या फिर आपके स्किन पे इम्परफेक्शन, आपका प्रॉब्लम क्या है। तो अगर आपके स्किन ऑयली है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मैटिफाइंग कुछ प्राइमर यूज करो, जो कि अप्लाई करने के बाद आपकी जो स्किन है वो मैट हो जाती है। तो मैटिफाइंग प्राइमर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये वेट एंड वाइल्ड का जो मैट फोटो फोकस मैट प्राइमर है, बहुत ही अच्छी है। तो मैटिफाइंग प्राइमर के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। नाउ अगर आपके पोर्स बहुत सारे हैं, पोर्स इश्यूज आपके हैं, आपके नोज पे या फिर इस एरिया पे बहुत सारे लार्ज पोर्स है, तो आप एक काम कर सकते हो, तो पोर मिनिमाइजिंग कुछ प्राइमर आप यूज करो। तो इससे क्या होगा, आपके जो पोर है वो ब्लर्ड हो जाएंगे, और इसके ऊपर अगर आप फाउंडेशन लगाएंगे तो फाउंडेशन बहुत अच्छी दिखेगी। और पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर के लिए आप ये वाला प्राइमर यूज कर सकते हो, दिस इज पैक पोर प्राइमर, बहुत ही अच्छी है पोर्स के लिए। और अगर आपके जो स्किन है वो ऑयली नहीं है, आपके पोर्स नहीं है, पर आपके कुछ इम्परफेक्शंस है, इम्परफेक्शंस इन द सेंस आपका रेडनेस बहुत है, सन स्पॉट है, एक्ने, आपके जो पिंपल्स सूख जाने के बाद एक काला धब्बा छोड़ जाती है पीछे, वो बहुत सारे हैं, तो आप एक परफेक्टिंग प्राइमर यूज करो। परफेक्टिंग प्राइमर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये मेबलिन का
ब्लर प्लस स्मूथ प्राइमर, ये बहुत अच्छी होती है, वो आपकी जो इम्परफेक्शंस है उसे ब्लर कर देते हैं। और मेरे पास थी, अब मेरे पास नहीं है, मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। लैक्मे एब्सोल्यूट का जो प्राइमर है, परफेक्टिंग प्राइमर, बहुत अच्छी है वो। क्या करती है, आपकी जो इम्परफेक्शंस है उसे ब्लर बना देती है। और है ये रेवलॉन का एक फोटो रेडी परफेक्टिंग प्राइमर आती है, वो भी बहुत अच्छी है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। और इफ़ यू आर ब्लेस्ड विथ नॉर्मल स्किन देन आप तो बहुत लकी है, क्योंकि आपकी नॉर्मल स्किन है ना, स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे प्राइमर आप यूज़ करो जो कि आपके फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। तो प्राइमर बहुत ही ज़रूरी है, प्राइमर आपकी स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से आप चूज़ करो। और आप प्राइमर को मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो, जैसे कि अगर आपके जो टी जोन ऑयली है तो आप एक मैटिफाइंग प्राइमर लेके सिर्फ अपने टी जोन पे आप अप्लाई कर लो, और आपके जो फेस के जो अदर्स एरियाज हैं वहाँ पे आप आपकी पसंद का कोई भी प्राइमर, अगर ये ड्राई है तो इस एरिया का ड्राई है ये वाला एरिया, तो आप यहाँ पे अगर मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ करोगे तो वो इस एरियाज को और भी ड्राई बना देगा। तो इससे क्या होगा, आपके जो फाउंडेशन है वो केकी लगने लगेगा, वो फट सकती है, क्योंकि आपकी जो स्किन है वो ड्राई है। तो अगर आपके टी जोन ऑयली है तो सिर्फ मैटिफाइंग प्राइमर जो है आपकी जो टी जोन एरिया है वहाँ पे ही आप लगाओ, पूरी फेस पे आप मत लगाओ। पूरी फेस के लिए आप ऐसे कोई ब्लर प्लस स्मूथ प्राइमर यूज़ कर सकते हो, या फिर ये जो निक्स फोटो लविंग प्राइमर, बहुत अच्छा प्राइमर है, ये यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है, स्किन में कोई भी ग्लो नहीं है, तो अगर आप जो निक्स का ही एक प्राइमर है, लेवेंडर कलर की होती है, वो यूज़ कर सकते हो। बहुत सारा रेडनेस है, स्किन रेड रेड हो चुकी है, तो जो ग्रीन वाला प्राइमर है वो यूज़ कर सकते हो। तो आप थोड़ी सी रिसर्च कीजिए जे आपकी जो स्किन की जो इश्यूज़ है उसके हिसाब से कौन से प्राइमर्स मार्केट में अवेलेबल है, तो आप वो प्राइमर आप यूज़ करो। तो या ये हो चुकी प्राइमर की बात। प्राइमर आप, आई होप कि आपको मैं इनफ इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उस सवाल का जवाब भी मैं आपको दूंगी। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, फाउंडेशन और मेकअप अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप फेयर दिखो, ये बात आप अपने दिमाग में घुसा लो। फाउंडेशन मेकअप कुछ भी लगाने का मतलब ये नहीं है कि मैं फेयर दिखनी चाहती हूँ। फाउंडेशन लगाने का मतलब ये है कि आप अपने जो दाग धब्बे हैं, अपनी जो इम्परफेक्शंस हैं उसे आप हाइड करना चाहते हो, और आपके जो नेचुरल फेशियल स्ट्रक्चर है उसे आप इन्हेंस करना चाहते हो, ठीक है ना। तो मैंने कभी कभी देखी है कुछ ब्राइडल मेकअप में, बहुत बड़ी बड़ी ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट जो कि बहुत एक लार्ज अमाउंट का मनी आपसे चार्ज करती है, मैंने ऐसे ब्राइडल मेकअप मैंने देखी है जिनमें उनके जो फेस है वो वाइट दिखती है, और उनके जो नेक है वो फेस से तो मैच बिल्कुल भी नहीं होता, उनके जो हैंड्स है, जो बैक है वो बिल्कुल भी मैच नहीं होता है, और वी डोंट वॉन्ट दैट। सो फाउंडेशन लगाइए आपके जो इम्परफेक्शंस है उसे हटाने के लिए, फेयर बनने के लिए नहीं। तो कीप दैट थिंग इन माइंड। तो फाउंडेशन चूज करने से पहले यू हैव टू नो योर अंडरटोन, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई योर अंडरटोन इज, अब आपके जो वेन्स होते हैं, वेन्स मुझे नहीं पता इसे हिंदी में क्या कहते हैं, VEIN, आपके जो वेन्स होते हैं आप उसे देखो, अगर ये ग्रीन कलर के हैं तो आपके वार्म अंडरटोन है, अगर आपके जो वेन्स पर्पल और ब्लूइश कलर के हैं तो वो आपके कूल अंडरटोन है। क्योंकि बहुत सारे फाउंडेशंस हैं जो कि फाउंडेशन के जो बैक है वहाँ पे लिखी होती है कि ये कूल अंडरटोन के लिए है और ये वार्म अंडरटोन के लिए है, और स्पेशली अगर आप ऑनलाइन कुछ फाउंडेशन खरीदना चाहते हैं तो आपको अंडरटोन आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अंडरटोन एंड पीक अंडरटोन जो कि आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान होती है, अगर आप अपने फेस को वॉश कर लो, कुछ भी मत लगाओ, और आईने पे अपने चेहरे को आप दिखो, अगर आपको दिखती है कि आपकी फेस जो है वो येलो साइड में है,
तो आपका येलो अंडरटोन है. और मैं इस और अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा पिंक पिंक है, जो कि जो लोग बहुत फेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा फेयर होते हैं, उनके अंडरटोन पिंक होते हैं, पर मोस्टली हमारे जो इंडियन स्किन टोन है वो येलो अंडरटोन की होते हैं. आई नो इसके बारे में आप बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, पर मैं ये चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहती हूँ. ये बहुत ही सिंपल मैं रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं बहुत ही बेसिक तरीका आपको बताने वाली हूँ कि आपके अंडरटोन आप कैसे चूज कर सकते हो. तो ये दो तरीके हैं आपकी जो अंडरटोन है वो चूज करने की. तो आप अपने अपने अंडरटोन चूज कर ली है, अब बारी आती है फाउंडेशन चूज करने की, फाउंडेशन शेड. और मिस्टेक जो कि मैंने भी की थी जब मैं एक बिगिनर थी, मुझे याद है मैं वो जो लैक्मे 925 मूज फाउंडेशन है वो खरीदने गई थी, और जो सेल्स वुमन थी वो जो फाउंडेशन लेके मेरे हैंड्स पे लाइक यहाँ पे उन्होंने स्वाच की थी और ऐसे 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 करके ब्लेंड कर दी थी, और मुझे लगा था हाँ फाउंडेशन तो मैच कर रही है. मैं वो खरीद के घर आई, फाउंडेशन का जो सील है वो जो वो मैंने ओपन की, चेहरे पे लगाई, और मैं बिल्कुल मेरी जो स्किन चेहरा है, मेरी जो फेस है वो ग्रे कलर की दिख रही थी. तो तब मुझे पता चला कि वो फाउंडेशन मेरे लिए नहीं है. मैंने बहुत सारे तरीके चूज़ किए उस फाउंडेशन को मेरी फेस पे लगाने की, और ये मैं वो फाउंडेशन वेस्ट हो गया. मतलब मैं आई वॉज नॉट एबल टू यूज़ दैट फाउंडेशन, मैं उस फाउंडेशन को यूज़ नहीं कर सके. तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि 2-3 शेड मैं खरीदूँ, उसे मिक्स एंड मैच करूँ और अपनी एक कस्टम शेड मैं बनाऊँ. मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, तो मैं ये मुझे बहुत भी बुरा लगा था उस वक्त, बिकॉज दिस फाउंडेशन कॉस्ट लाइक 575 रुपीज़ इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड माई मनी वॉज वेस्टेड. सो अब ये गलती मत करो, फाउंडेशन को कभी भी यहाँ पे या फिर यहाँ पे आप ट्राई मत करो, क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो कलर है ये मेरी फेस से मैच नहीं करता है, और ये कलर भी मेरी फेस जो है उसे मैच नहीं करता है. तो फाउंडेशन चूज करने का सबसे अच्छा तरीका है अगर आप फाउंडेशन इस एरिया पे अपनी जो चिक एरिया है यहाँ पे आप स्वाच करो, स्वाइप करो, 2-3 शेड यहाँ पे आप स्वाइप करो और देखो कि आपके जो ओरिजिनल जो स्किन टोन है उससे कौन सा फाउंडेशन मैच करता है. दिस इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई योर फाउंडेशन शेड. तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 3 स्ट्रिप्स लगाई हुई है. जो ये पहला वाला शेड है वो बहुत ही लाइट दिख रही है, मेरी स्किन के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है ये वाला शेड. और फिर मैंने यहाँ पे लगाई है ये मिडल शेड जो कि मेरी स्किन के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो रही है. दिस शेड इज मैचिंग माई ओरिजिनल स्किन टोन परफेक्टली. और यहाँ पे जो ये शेड है ये मेरी स्किन के साथ बिल्कुल भी नहीं जा रही है, ये मेरी स्किन से बहुत ज़्यादा डार्क है. तो आपको क्या लगता है कौन सा शेड मेरा होगा? ये जो मिडल वाला शेड है ये मेरी स्किन के साथ एकदम परफेक्टली मैच कर रही है, तो मेरी जो शेड है वो ये मिडल वाला है, ना कि ये पहले वाला. अगर मैं ये लगाऊंगी तो बिल्कुल एक वैम्पायर की तरह दिखूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट है. और अगर मैं ये शेड अप्लाई करूंगी तो मेरा स्किन टोन बहुत ही डार्क दिखेगा. तो ये जो शेड और ये जो शेड ये दोनों ही मेरे शेड नहीं है, ये जो मिडिल वाला शेड है वो मेरा परफेक्ट मैच है. तो आप ऐसे अपने फाउंडेशन को अपनी चीक एरिया पे, इस एरिया पे लगा के देखो कि कौन सा फाउंडेशन आपके जो ओरिजिनल स्किन टोन है उससे मैच करती है, जो बहुत ही क्लोज आए, बहुत ही क्लोजेस्ट मैच हो, तो वही आपका एग्जैक्ट शेड होगा आपके फाउंडेशन में. तो आप ये देख सकते हो कि मेरे जो है मेरे जो नेक है, द साइज ऑफ माई नेक, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा मेरी जो फेस है, फेसेस थोड़ा डार्क है बिकॉज आई हैव सम हेल्थ इश्यूज, एंड इसीलिए मेरी जो नेक एरिया है वो थोड़ा डार्क है,
बट मेरी जो फेस है वो मेरी चेस्ट से बिल्कुल मैच करते हैं एज यू कैन सी. सो व्हाट आई डू, मैं मेरी जो फाउंडेशन है उसे मेरी फेस और मेरी चेस्ट से मैच करने की कोशिश करती हूँ. मैंने कोशिश की थी मेरी फाउंडेशन को मेरी नेक से मैच करने की, बट वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल दिख रही थी, तो मैं वो नहीं करती हूँ. मैं अपनी फाउंडेशन को अपनी चेस्ट और अपनी फेस से मैं मैच करती हूँ. और एक बात, अगर आप फाउंडेशन खरीदने जा रहे हो तो ऐसा कुछ कंपनी आप चूज़ करो जो कि आपको एक वाइड शेड रेंज ऑफर करती है. लाइक इफ़ यू चूज लैक्मे और कलबर, दे डू नॉट हैव अ वाइड शेड रेंज, दे हैव मैक्सिमम 4 to 5 शेड रेंज. और जब मैं बिगिनर थी तब तो उनके पास 2 or 3 शेड्स होते थे एंड इट सक्स. आई हैव नेवर एवर फाउंड अ परफेक्ट फाउंडेशन मैच फॉर माई सेल्फ इन लैक्मे और इन कलबर. मुझे अभी तक कलरबर और लैक्मे में मेरी परफेक्ट शेड नहीं मिली है. जो परफेक्ट लैक्मे का जो परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन है उसके जो शेड है शेल, वो काइंड ऑफ मेरे स्किन से मैच करती है पर वो स्पॉट ऑन नहीं है. आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ. तो अगर आप फाउंडेशन खरीदना चाहते हैं तो एक ऐसे प्रोडक्ट और कंपनी आप चूज़ करो जिसमें के बहुत सारे शेड रेंज होते हैं, जैसे कि मेबलिन पैकेज लिक्विड फाउंडेशन, वेट एंड वाइल्ड. ये फाउंडेशन में आपको आपका शेड ज़रूर मिलेगा. और ब्लू हेवन्स, लैक्मे, कलबा, इनमें से ज़्यादा शेड के ऑप्शन आपको नहीं मिलती है. और अगर आप लकी हैं कि इन लैक्मे कलबा और ब्लू हेवन में आपको आपका शेड मिल जाती है तो लकी यू, गो अहेड एंड यूज इट. बट अगर आपको नहीं मिलते तो एक कंपनी में आप स्टिक मत होइए, कंपनी चेंज कीजिए. देखिए पैक एज लिक्विड फाउंडेशन इज अमेजिंग, आई लव दैट फाउंडेशन. उसका शेड रेंज बहुत अच्छा है. फिट मी, मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन भी बहुत अच्छा है. तो या तो आप ऐसे कुछ कंपनी चूज करो जहाँ पे आपको एक वाइड शेड रेंज मिलती है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज ऑलवेज टेस्ट योर फाउंडेशन विथ बेयर फेस और इन नेचुरल सनलाइट. यस, तो अगर आप फाउंडेशन खरीदने जा रहे हो तो आप सिर्फ एक मॉइस्चराइजर अप्लाई करके ही जाओ. कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप सनस्क्रीन और कॉम्पैक्ट भी लगाए हुए हो तो ये आपकी जो नेचुरल स्किन टोन है उसके कलर को थोड़ी सी चेंज कर देती है. और उस चेंज्ड कलर के साथ अगर आप कोई भी फाउंडेशन चूज करोगे तो आपको परफेक्ट मैच नहीं मिलेगी. तो आप सिर्फ एक मॉइस्चराइजर अप्लाई करो और स्टोर में चले जाओ. हाँ, आपको एक दिन अगर आप विदाउट SPF घर से निकलोगे तो इतनी सारी हार्म आपकी स्किन पे नहीं होगी. जस्ट एक दिन के लिए आप जाओ और आप आफ्टरनून में जा सकते हो जब कि जो सन रेज है वो उतनी हार्श नहीं होती है. आफ्टर 4 PM आप स्टोर पे जाओ फाउंडेशन खरीदने को और सिर्फ मॉइस्चराइजर अप्लाई करके आप स्टोर में जाओ. सेकेंडली, जब भी आप स्टोर पे जा रहे हो फाउंडेशन खरीदने के लिए एक मिरर आपके साथ आप रखो. ऐसे कॉम्पैक्ट पाउडर या कुछ भी जिसपे एक ऐसा मिरर होते हैं ना वो आप साथ में लेके जाओ. तो आप फाउंडेशन लो 2-3 शेड. और एक बात, जो सेल्स लेडीज होते हैं उनके बात में ज़्यादा ध्यान मत दो. आई हैव वेस्टेड माई मनी उनके बात सुन के. वो मुझे एक शेड देना चाहती, ये आपका परफेक्ट शेड है. मैं 2-3 शेड, 2-3 फाउंडेशन, लैक्मे इनविजिबल फाउंडेशन का भी मैंने एक शेड ली थी, शेड नंबर 1 or 2 आई बिलीव. तो वो भी मेरी मनी वेस्ट हो गया था. तो वो जो सेल्स वुमेन के बातों में आप मत आओ. आप खुद देखो, अपनी आंखों से आप खुद देखो वो शेड आपकी जो स्किन है उसे मैच करती है या नहीं. तो हाल ही में मैंने जोभिता जॉर्ज का एक वीडियो देखी थी जहाँ पे वो कलवर की एक फाउंडेशन की रिव्यू कर रही थी. इट वॉज सो फनी, यू गाइस कैन चेक दैट वीडियो आउट एंड यू कैन सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट.
सो या आप अपनी जो मिरर है वो मिरर आप अपने साथ लेके जाओ. नेक्स्ट जो है, आप फाउंडेशन जब खरीद रहे हो तो आप नेचुरल डे लाइट पे उसे टेस्ट करो. कभी कभी होते हैं स्टोर पे आर्टिफिशियल लाइट्स होती है जो कि फाउंडेशन की जो शेड है उसको ऑल्टर कर देती है. ये मेरे साथ बहुत बार हुई है. तो मैंने एक लिपस्टिक खरीदी और मुझे लगा ये एक परफेक्ट रेड कलर है, डार्क रेड कलर. और जब मैं घर आई, मैंने जो टेस्टर है, टेस्टर में मैंने ऐसे स्वाच की थी, वो मुझे परफेक्ट लगी थी. तो मैं वो लिपस्टिक लेकर घर आई और जब मैं नेचुरल डे लाइट पे जो ओरिजिनल लिपस्टिक मैंने खरीदी, नया वाला पैकेजिंग को मैंने निकाली और मैंने देखी कि ये एक बहुत ही ब्राइट रेड कलर है जो कि मैं नहीं खरीदना चाहती थी. मैं एक डार्क रेड कलर चाहती थी, ऐसे ब्राइट ऑरेंजिश रेड मैं नहीं खरीदना चाहती थी. तो आर्टिफिशियल लाइट जो है स्टोर में तो वो कलर को ऑल्टर कर देता है, तो बी अवेयर ऑफ दैट. तो आप क्या कर सकते हो, फाउंडेशन लो, यहाँ पे जो स्ट्रिप्स है वहाँ पर आप चेहरे पे लगाओ और आप स्टोर से बाहर आओ. आपके पास जो मिरर है उसे आप ऐसे करो और आपके चेहरे को आप दिखो कि कौन सी शेड आपके लिए परफेक्ट है. आई नो इट साउंड्स फनी बट ट्रस्ट मी, इट इज़ द बेस्ट वे टू चूज अ फाउंडेशन. एंड आप अगर ये स्टेप फॉलो करोगे तो आपके मनी वेस्ट नहीं होगा. हाँ, आप 2-3 मिनट के लिए आपके चेहरे जो है वो फनी लग सकती है, बट आफ्टर दैट यू आर गोना लुक ब्यूटीफुल, ट्रस्ट मी. तो ये है फाउंडेशन की बात. आप आते हैं कंसीलर पे. नाउ कंसीलर अप्लाई करने के लिए आपकी पर्पस क्या है ये आपको समझना जरूरी है. जैसे कि अगर आप हाईलाइटिंग कंसीलर चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका सर्टेन एरियाज आपके फेस में जो है वो हाईलाइटेड थोड़ी सी दिखे, थोड़ी सी ऐसी लिफ्टेड दिखे, तो आप एक हाईलाइटिंग कंसीलर खरीदो जो कि आपकी स्किन से बस एक या दो शेड लाइट है. तो वो हाईलाइटिंग कंसीलर क्या करेगा, आपकी जो अंडर आईज है, आपकी डाउन द ब्रिज ऑफ माई नोज, आपका जो फोरहेड, साइज ऑफ योर माउथ, इट्स योर माउथ, क्यूपिड बो, चिन, इसे लिफ्टेड हाईलाइटेड कर देगा और इससे ये जो फीचर्स है आपके ये लिफ्टेड दिखेगी. तो ये पर्पस है आपके हाईलाइटिंग कंसीलिंग की. अगर आपके जो स्पॉट्स है, एक्ने स्पॉट्स एंड स्कारिंग एंड एवरीथिंग, तो अगर आप स्पॉट कंसीलिंग करना चाहते हो तो एक कंसीलर आपको चाहिए जो कि बिल्कुल आपकी स्किन से मैच करती है, बिल्कुल आपकी स्किन के से मैच करती है. तो आप कंसीलर भी इसी तरीके से ही चूज कीजिए. और अगर आप अपने नीड के हिसाब से कंसीलर चूज कीजिए तो जो आपके कंसीलर जो आपके स्किन से मैच करता है वो आपके स्किन को, अगर आप स्पॉट कंसील करोगे, कुछ दाग धब्बे कुछ कवर करोगे तो वो बहुत अच्छी है. और आपके अंडर आईज डार्क सर्कल को कवर करने के लिए, पिगमेंटेशन को कवर करने के लिए भी वो बहुत अच्छी है. पर अगर आप हाईलाइटेड इफेक्ट चाहते हो तो हाईलाइटिंग कंसीलर आप यूज़ कीजिए. मैं कंसीलर को इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि मैं कौन से कंसीलर यूज करूँ. हाईलाइटिंग कंसीलर क्या होता है, इन जनरल कंसीलर क्या होता है? तो कंसीलर जो है जो आपके स्किन टोन से मैच करता है वो आपके जो दग धब्बे हैं उसे हटा देती है. और हाईलाइटिंग कंसीलर आपको हाईलाइटर, क्रीम हाईलाइटर की तरह काम करती है और आपको आपके जो फीचर्स हैं उसे लिफ्टेड लुक देती है. तो इस बात को आप समझिए. तो इस हिसाब से आप एक कंसीलर चूज कर सकते हो. अब बारी आती है कॉम्पैक्ट पाउडर की. तो कॉम्पैक्ट पाउडर और कोई भी लूज पाउडर को खरीदने से पहले ये बात आप ध्यान में रखिए कि आपने एक अच्छा सा फाउंडेशन शेड आपके लिए चूज की है, अच्छा सा फाउंडेशन कंसीलर शेड आपके लिए चूज की है, पर आपकी जो कॉम्पैक्ट और आपके जो पाउडर है उसका शेड ठीक ठाक नहीं है, तो आपकी जो पूरा मेकअप है, पूरा बेस है वो बर्बाद हो जाएगी. तो पाउडर को भी आप ध्यान से चूज कीजिए. जैसे अगर आप हाईलाइटेड इफेक्ट चाहते हैं तो आप एक ऐसा पाउडर यूज कीजिए जो येलो अंडरटोन की है. आप बनाना पाउडर भी यूज कर सकते हैं जो कि आपकी जो अंडर आईज है इसे हाईलाइटेड बनाएगी. और अगर आप आपकी जो पूरा फेस है उसे सेट करना चाहते हो तो
इधर आप एक ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज करो, जो ट्रांसलूसेंट पाउडर जो कोई भी कलर नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो बेस मेकअप है उसे सेट करता है। और अगर आप चाहते हो तो आप ऐसे कोई पाउडर भी यूज कर सकते हो जो आपकी जो स्किन टोन है, आपकी जो फाउंडेशन शेड है उससे परफेक्टली मैच हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिटमी में शेड 128 यूज कर रहे हो तो आपकी जो पाउडर है वो भी आप सिमिलर शेड के ही लो। तो आप पाउडर जो है आप ऐसे भी चूज कर सकते हो। आप जाओ स्टोर पे और ऐसे लगा के देखो कि कौन सा पाउडर आपकी जो फेस है उससे मैच करती है। तो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड चूज अ पाउडर दैट मैचेस योर स्किन टोन परफेक्टली। और अगर आप चाहते हो तो सिर्फ एक शेड, सिर्फ और सिर्फ एक शेड लाइटर पाउडर आप अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं बनाता है। पर अगर आप ऐसे कोई पाउडर यूज करोगे जो कि दो शेड या तीन शेड लाइटर है और फिर एक शेड डार्कर है, तो आपका जो मेकअप लुक है वो पूरी तरह से बिगड़ सकती है। तो आप ऐसे एक पाउडर को चूज करो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं बताऊंगी आप कैसे एक फ्लॉलेस फाउंडेशन बेस आप क्रिएट कर सकते हो। फ्लॉलेस एक बेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ आपको फॉलो करनी है, और एक यूट्यूबर की एक सीक्रेट भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए। मैं उस कमेंट का मैं रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। और प्लीज़ ये वीडियो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप शेयर कीजिए ताकि वो ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो। तो यस, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। और अगर आप मेरी मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यस, सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।